नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारा चैनल हमारा बिहार में। आज 10 मार्च 2019 है और 10 मार्च से जितने भी करेंट अफेयर्स है जो बिहार से रिलेटेड है, आज वो हम डिस्कस करेंगे। चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, पटना में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा। तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, पद्मश्री पंडित सियाराम तिवारी संगीत समारोह का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह भी दोस्तों पटना में ही किया गया है, तो इसका भी सही उत्तर ए हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में रियल एस्टेट अपीलेट ट्रिब्यूनल का गठन किया गया है? तो ये पटना में किया गया है, ठीक है। तो और इनके अध्यक्ष के रूप में न्यायाधीश अरुण कुमार जी को नियुक्त किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, नमामि गंगे योजना के अनुसार बिहार में कितने जगह पर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाएंगे? तो ये बनाए जाएंगे 5 जगहों पर, तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। और वो 5 जगह कौन कौन सा है, तो देखते हैं। वो 5 जगह है सोनपुर, छपरा, फतुहा, मनेर और बख्तियारपुर। इसी 5 जगहों पर ये सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, बिहार में लोक शिकायत निवारण कानून के तहत कितने दिनों के अंदर सरकारी कर्मचारियों के शिकायतों का निवारण किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 60 दिनों के अंदर, तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सिटी बस के लिए मासिक पास का आरंभ कहाँ किया गया है? तो ये पटना में किया गया है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। इसका मासिक किराया इस प्रकार है कि विद्यार्थी के लिए 500 रुपया प्रति माह है, महिलाओं के लिए 550 रुपया प्रति माह है और अन्य लोगों के लिए 600 रुपया प्रति माह है। इतने रुपये का भुगतान करके आप 1 महीने तक पटना में बस का सफ़र कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, बक्सर थर्मल प्लांट का शिलान्यास किनके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र कुमार मोदी जी के द्वारा, ठीक है। तो आया है बक्सर का नाम, तो पहले देखते हैं बिहार के मैप में बक्सर कहाँ पे है। तो ये रहा अपना बक्सर, ठीक है। दोस्तों हम जिला को मैप में इसलिए दिखाते हैं कि कम से कम आप लोग को याद हो जाए कि बिहार में कौन सा जिला कहाँ पे है, ठीक है। तो बक्सर का नाम आया है, तो बक्सर से कुछ क्वेश्चंस भी बनते हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो एक क्वेश्चन है कि बक्सर में एक पक्षी विहार है जो कि लालसर पक्षी के लिए प्रसिद्ध है, जो अक्टूबर महीने में यहाँ आती है और मार्च महीने में कश्मीर लौट जाती है। यह पक्षी विहार 25 वर्ग किलोमीटर में विकसित किया गया है। और बक्सर जिले से एक और भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि बक्सर में एक चौसा नामक स्थान है, तो इसी स्थान पर चौसा का युद्ध हुआ था जो कि 25 जून 1539 ईस्वी में हुआ था शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में, और जिसमें शेर शाह सूरी विजयी हुए थे। अगला क्वेश्चन है, चुनाव आयोग के अनुसार कितने फर्जी मतदाता का नाम मतदाता लिस्ट से हटाया गया है? तो 2.5 लाख फर्जी मतदाता का नाम मतदाता लिस्ट से हटाया गया है, तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खसरा टीकाकरण अभियान में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो बिहार में शिवहर जिला का पहला स्थान आया है, इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। और शिवहर जिला का नाम आया है, तो फिर देखते हैं बिहार के मैप में शिवहर जिला कहाँ पे है। तो ये रहा बिहार का मैप। बिहार में ये देखिए एक छोटा सा जिला है शिवहर जिला। आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कि शिवहर बहुत छोटा जिला है, और वास्तव में ही बिहार का क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा जिला शिवहर ही है, ठीक है। और शिवहर से एक और क्वेश्चन बनता है कि बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला भी शिवहर ही है, जिसका जनसंख्या घनत्व 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार मदरसा शिक्षा बोर्ड का पुनर्गठन किया गया है जिसमें किसको अध्यक्ष बनाया गया है? तो इसमें अध्यक्ष बनाया गया है अब्दुल कयूम अंसारी जी को, ठीक है। इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।
अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो के PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारा एक चैनल है टेलीग्राम पे भी, जिसका नाम है हमारा बिहार, और इसको आप सर्च कर सकते हैं हमारा बिहार HB के नाम से। सर्च करके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वहाँ पे, और वहाँ से आपको इस वीडियो का PDF भी मिल जाएगा और इस वीडियो का प्रतिदिन का लिंक भी मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।